आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल आमला ब्लॉक के ग्राम सेमरिया जोशी में किसानों से ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल बैतूल के पुलिस कंट्रोल रूम में बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का किया खुलासा। आमला ब्लॉक के ग्राम सेमरिया जोशी में किसानों से ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने ग्राम सेमरिया जोशी और उमरिया में 26 और 27 नवंबर को किसानों से अधिक रेट पर मक्का खरीदी थी। इसके बाद करीब 6 लाख रुपए की मक्के का पेमेंट दूसरे दिन करने की बात कही थी और मक्का लेकर चले गए थे। आपको बता दें कि दूसरे दिन 28 नवंबर को जब किसानों ने फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब व्यापारी किसानों का भुगतान करने नहीं आए तो किसानों को चिंता हुई और व्यापारियों की खोजबीन प्रारंभ की गई, लेकिन इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं लगी। सेमरिया जोशी निवासी सज्जन सिंह सामनेर की रिपोर्ट पर आमला पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की थी। इसके बाद अहमदनगर महाराष्ट्र, ठाणे मुंबई और MP के जिला सिवनी, सागर और दमोह जाकर आरोपियों की तलाश की गई। इस दौरान सूचना मिली कि बाहर के दो व्यक्ति दमोह जिले के ग्राम हटा में गल्ला व्यापारी बनकर क्षेत्र में किसानों से संपर्क कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम ने ग्राम हटा जाकर इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आपको बता दें कि बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद ने बुधवार को इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा किया। SP ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाज व्यापारी बनकर ग्राम उमरिया क्षेत्र के किसानों से धोखाधड़ी पूर्वक अधिक रेट पर मक्का खरीद कर बिना भुगतान किए भागने वाले दो शातिर आरोपियों को दमोह के ग्राम हटा से पुलिस ने पकड़ा है। बैतूल पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप, कांग्रेसियों और सामाजिक संगठन ने की न्यायिक जांच की मांग। बैतूल SP ने SDOP को सौंपी जांच। ट्यूशन पढ़ाने वाले युवक की पुलिस हिरासत में मौत के आरोपों के बीच कल बुधवार को कांग्रेसियों ने मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की। इसके अलावा लुणारी कुनबी समाज सेवा संगठन ने भी बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस एवं बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। SP ने जांच के लिए SDOP शाहपुर को नियुक्त किया है। इस बीच दो अन्य युवकों के भी गायब होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस उन्हें भी पूछताछ के लिए उठाकर लाई थी। वे युवक भी अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। बैतूल बीते दिनों बैतूल के शासकीय JH कॉलेज में हुई मारपीट को लेकर बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद ने मीडिया को दी जानकारी। बैतूल के JH कॉलेज में बीते दिनों एक छात्र के साथ हुई मारपीट में बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि छात्र के साथ हुई मारपीट में जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन स्टूडेंट की काउंसलिंग करे, ऐसा बैतूल SP सुश्री सीमाला प्रसाद के द्वारा कहा गया है। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने श्रीजी शुगर मिल में मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति वितरण के साथ दिए सफलता के टिप्स। कहा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म में रखें। बैतूल में श्रीजी शुगर एंड पावर लिमिटेड सुहागपुर प्रबंधन के द्वारा किसानों की बेटियों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का बीड़ा उठाया गया है। कल बुधवार को शुगर मिल परिसर में गरिमामय कार्यक्रम में बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस, शुगर मिल के मालिक राजेंद्र गोयल, वैभव माहेश्वरी हनुमंत, शुगर मिल के संचालक विपिन अग्रवाल, श्रीजी शुगर मिल के संचालक अभिषेक गोयल के हाथों कुल 16 बेटियों को छात्रवृत्ति की राशि के चेक प्रदान किए गए। इस मौके पर बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जिंदगी में सबसे पहला सवाल होता है क्यों। आप सबके मन में पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि क्यों, यह आपकी जिंदगी में हमेशा मदद करेगा। इस तरह से बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए। बैतूल लोक अदालत का किया जाएगा बहिष्कार।
वकीलों ने दी जानकारी। पुराने 25 प्रकरणों के आदेश का विरोध, सभा करके सौंपा ज्ञापन। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सभी न्यायालयों में 25 पुराने प्रकरणों को समय अवधि में निराकृत करने के आदेश का बैतूल के अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया है। बैतूल में जिला अभिभाषक संघ ने इसको लेकर एक बड़ी सभा की। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत का बहिष्कार किया जाएगा। जिला अभिभाषक संघ ने इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन में एक सभा का आयोजन भी किया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभाषक शामिल हुए। मुलताई के शासकीय महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ योग शिविर। मुलताई के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से समस्त स्टाफ के लिए 10 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वर्षा खुराना के द्वारा किया गया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि समस्त स्टाफ के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए योग का शिविर लगाया गया है, जिसमें प्रतिदिन करीब 1 घंटा योग करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस शिविर का संचालन क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर अभिनीत सरसोदे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए डॉक्टर अभिनीत सरसोदे ने बताया कि प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका एवं अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यास प्रतिदिन करवाए जाएंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मुलताई में उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा सभी न्यायालयों में 25 पुराने प्रकरणों को समय अवधि में निराकृत करने के आदेश का मुलताई के अधिवक्ता संघ के द्वारा विरोध किया गया है। आइए सुनते हैं मुलताई अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को। मैं सीएच चंदेल, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुलताई, जिला बैतूल का अध्यक्ष। ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय तहसील न्यायालय को यह आदेशित किया गया है कि 25 प्रकरणों का निराकरण क्वार्टरली किया जाए, जो कि निचली न्यायालयों में इतने जल्दी प्रकरणों का निराकरण किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पक्षकारों को उचित न्याय देने के लिए प्रक्रिया का पूर्ण तरह पालन करना पड़ता है। जब तक कानून में परिवर्तन नहीं हो, संशोधन नहीं हो, तब तक के ऐसे मामलों का निराकरण त्वरित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए निचली अदालतों पर जो भार दिया गया, जिससे पक्षकार भी परेशान हो रहे हैं और अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय को, हमारे मुलताई न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन देते हुए प्रेषित किया गया है कि 25 प्रकरण का जो आपने आदेश किया गया है उसको दिनांक 10/2/2023 तक यदि वापस नहीं लिया जाता है तो 11 तारीख की जो लोक अदालत है उसमें समस्त अधिवक्तागण कार्य से विरत रहेंगे और उसमें भाग पूर्णतः नहीं लेंगे। मुलताई में पहली बार राजपूत समाज के द्वारा करवाई जा रही है भव्य श्रीमद् भागवत कथा। कल कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। माँ ताप्ती परिक्रमा मार्ग से होते हुए कलश यात्रा पहुंची कथा स्थल। मुलताई दस्तक अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का किया जा रहा है टीकाकरण। कल ग्राम खड़की में दस्तक अभियान के अंतर्गत बच्चों का किया गया वैक्सीनेशन। इस दौरान ग्रामीणों सहित ग्राम सरपंच भी रहे मौजूद। मुलताई सार्वजनिक शौचालय के कर्मचारी के साथ की गई हाथापाई। परेशान होकर कर्मचारी पहुंचा मुलताई थाने, सौंपा आवेदन। घोड़ाडोंगरी बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, स्कूल का भी किया निरीक्षण। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने कल बुधवार को जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम जांगड़ा में ग्राम चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में ग्रामीणों के आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैतूल कलेक्टर के द्वारा ग्राम की प्राथमिक शाला का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्कूली बच्चों से उनकी पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की
और स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। घोड़ा डोंगरी। कल मोरडोंगरी गांव में सारनी मशरूम महोत्सव का किया गया आयोजन। इस दौरान बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस भी हुए शामिल। सारनी, छात्रों से अश्लील हरकत करने वाला चौकीदार हुआ गिरफ्तार। छात्रों से करता था शर्मनाक हरकतें। पुलिस ने जेसीबी से तुड़वाई कल झोपड़ी। स्कूली छात्रों के साथ अश्लील हरकत करने वाले छात्रावास के चौकीदार को सारनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौकीदार की शर्मनाक हरकतों की शिकायत बीईओ ने पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे दबोच लिया गया। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए उसके झोपड़ी को भी जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया है। घटना घोड़ोंगरी विकासखंड के बेलुंड स्थित आदिवासी बालक छात्रावास की है, जहां बीओ हाकम सिंह रघुवंशी पिता हरगोविंद ने घोड़ोंगरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि छात्रावास में पदस्थ चौकीदार हरिश्चंद शीलू पिता प्रेम शीलू, जो कि शराब पीकर वहां रहने वाले आदिवासी बच्चों के साथ मारपीट करना, धमकी देना, साथ ही अश्लील हरकतें करना जैसे बच्चों के साथ शर्मनाक कुकृत्य करता था। बहसदई। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनी सोलंकी ने शहर की लो वोल्टेज बिजली समस्या को सुलझाने का किया प्रयास। कल इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से की चर्चा। चिचोली। चिचोली तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। लंबे समय से भारतीय किसान संघ के द्वारा की जा रही है 7 सूत्रीय मांग। आठनेर के ग्राम खापा का मामला। सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन।